हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, शिब्बू की किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल सी रेसिपी जिसे हम बोंबिल का चटपटा कहते हैं। इसे कोकन साइड में बड़े ही शौक से खाया जाता है। ये कोकन की फेमस रेसिपी है। इस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स लगेंगे वो हम आपको लाइन वाइज बताएंगे, तो हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 10 से 12 बोंबिल ली है, उसको हम साफ कर लेंगे। ये बोंबिल गीले होते हैं, इसको जो है धूप में सुखाया जाता है, फिर ये ऐसे हो जाते हैं। इसको हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे, देख रहे हो आप इस तरीके से। बोंबिल को जो है इस तरीके से साफ करके फिर हम उसके टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। अब सारे बोंबिल को भी हम इसी तरीके से साफ करके टुकड़े कर लेंगे। हमने तवे को जो है गर्म होते रखा है और हमने बोंबिल के जो है टुकड़े कर लिए हैं। हम इनको तवे पर भून लेंगे। हमारे रत्नागिरी में ऐसे ही बनाया जाता है, इसे तेल में नहीं फ्राई करते हैं, इसको डायरेक्टली ही तवे पर भून लेते हैं, जिससे बोंबिल का जो है स्वाद बहुत ही टेस्टी और भुना भुना सा आता है। हम इन्हें अच्छी तरीके से अलट पलट करके भून लेंगे। हमारे रत्नागिरी में सूखी मच्छी को जो है इसी तरीके से भूनकर खाया जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं भूनकर खाने में। इसे अक्सर सब्जी रोटी के साथ खाया जाता है। इसे हमने अलट पलट करके हल्का हल्का भून लिया है। अब हम फ्लेम को जो है ऑफ कर लेंगे। हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है, उसमें हम लहसुन की 2 कलियां चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है गोल्डन हो चुका है हल्का हल्का। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब हम मसाले को जो है 10 मिनट तक भूनते रखेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और तरी भी आ चुकी है, आपने देखा ही होगा। अब हम इसमें 1 चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को जो है 5 मिनट तक भूनते रखेंगे मसाले के साथ। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी जो है गल चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। 1 आलू लिया है जिसको हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी हम 5 मिनट के लिए पका कर लेंगे। तो गाइस, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आलू जो है पक चुका है। आलू के बिना चटपटा जो है अधूरा लगता है, आलू बड़ा ही मज़े का लगता है चटपटे के साथ। जो बोंबिल हमने भुने थे उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे और अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसमें हम नमक हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि जब बोंबिल को सुखाया जाता है धूप में तो उसे नमक लगाकर सुखाया जाता है। ये ऑलरेडी बोंबिल जो है नमकीन ही होते हैं। इसे भी 10 मिनट पकाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं और बोंबिल का चटपटा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को जो है ऑफ कर लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो लीजिए गाइस, कोकनी स्टाइल में बोंबिल का चटपटा बनकर रेडी हो चुका है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।